नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सहरसा में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव के बाद सहरसा में आंकड़ा बढ़कर 14 हो गया है। सहरसा जिले के विकास भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 920 लोगों का सैंपल भेजा गया था, जिसमें 14 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अभी देखिए, अभी जो टोटल सैंपल जो हम लोग लिए हैं, अभी तक 920 सैंपल लिया गया है, जिसमें 775 का रिपोर्ट आया है। उसमें 749 नेगेटिव है और 14 पॉजिटिव है। 145 सैंपल का अभी रिजल्ट पेंडिंग है, जो कि आजकल में आ जाएगा। अभी आज के डेट में 3 और पॉजिटिव मिले हैं, तो जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है, जो एक्टिव केसेस जिले में है। जो 3 मिले हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में क्वारंटाइन में रखे गए थे, उनको वहां से शिफ्ट करके आइसोलेशन में डाल दिया गया है। और उनका जो इन्फेक्शन ट्रेल है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी की जा रही है। जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में रहेंगे उनको हम लोग ट्रेस करके क्वारंटाइन में रखेंगे और उसका सैंपल जांच किए। मसौढ़ी नगर परिषद में बन रहे नए राशन कार्ड में व्यापक अनियमितता बढ़ती जा रही है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के मसौढ़ी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष संजय केसरी ने मसौढ़ी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और कर्मचारियों पर लगाया है। मंडल अध्यक्ष संजय केसरी का कहना है कि मानक के अनुसार राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने मसौढ़ी के अनुमंडलाधिकारी संजय कुमार से लिखित शिकायत की है। नगर परिषद कार्यपालक अभियंता से आपकी क्या शिकायत है? नगर परिषद मसौढ़ी के द्वारा एन यू एल एम के द्वारा गरीब लोगों के बीच राशन कार्ड का बनाने का आदेश बिहार सरकार ने दिया। इसके लिए नगर परिषद के वार्ड पार्षद, नगर परिषद के विकास मित्र के द्वारा लोगों से आवेदन लिया गया। बहुत सारे लोगों ने कार्यालय में जा कर के नगर परिषद के कार्यालय में आवेदन को जमा किया। कार्यालय में आवेदन लेने के बाद परसों 12 तारीख को जब विकास मित्र को दिया गया कि आप इसको प्रपत्र क भर करके लाइए, उसमें बहुत सारे गरीब परिवार जो राशन कार्ड के पात्रता को पूरा करते हैं उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। मैं जब इसकी शिकायत लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल और अध्यक्ष होने के नाते नगर कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के पास गया, उन्होंने बोला कि मेरे को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, आप जिसको आवेदन दिए उससे पूछिए। मैं जब टेबल पर गया उस टेबल पर, तो वहाँ पता चला कि कौन है, क्या काम कर रहा था, मेरे को पता नहीं। इसके लिए एन यू एल एम के अभिषेक कुमार हैं, उनको ये चार्ज दिया गया है कि आप राशन कार्ड बनवाने का काम करें। उनके द्वारा भी अनभिज्ञता जाहिर की गई। मैं इसकी शिकायत माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से किया हूँ, लिखित शिकायत दिया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर पात्रता पूरा रखते हैं तो उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। मैं अगर मंगलवार तक अगर उनके घरों पर विकास मित्र के द्वारा जाँच नहीं पहुँचा तो मैं बाध्य होकर नगर परिषद कार्यालय के समीप धरना दूंगा, फिर प्रदर्शन करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं आमरण अनशन करूंगा। जिसको राशन कार्ड चाहिए उसको मिलना चाहिए और ये जांच का विषय है कि नगर परिषद के कर्मी उसको जांच करें। ये किसी की अपनी संपत्ति नहीं है, सरकार के दिया हुआ कार्य है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत प्रयत्नशील है, इसलिए जो इस पात्रता को पूरा करते हैं उनका राशन कार्ड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। क्या इसके लिए आप नगर परिषद अध्यक्ष से बात किए? अध्यक्ष का इसमें कोई कार्य नहीं है, इसके लिए नगर ये सरकारी कार्य है और इसके लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं जो NULM से जुड़े हुए अभिषेक जी हैं उन्हीं की जिम्मेवारी होगी। अनुमंडल पदाधिकारी के मॉनिटरिंग में यह काम चलेगा। मैं तीनों पदाधिकारियों से विनती किया हूं, आग्रह किया हूं, अगर ये नहीं माने तो मैं जनता के लिए धरना प्रदर्शन एवं जब मैं अपनी प्राण दे रहा हूं तो जेल जाना तो बहुत तुच्छ चीज है। सरकार अगर मुझे केस में भी फंसाएगी तो मैं वो भी भुगने के लिए तैयार हूं।
बिहार के विभिन्न शहरों में सहकारिता विभाग की तरफ से बड़े पैमाने पर गरीब और असहाय लोगों के बीच शिविर लगाकर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर, सहकारिता विभाग के एमडी ललन शर्मा, गायघाट प्रमुख और ट्रांसपोर्ट के मालिक अमरनाथ पांडे जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों के बीच राशन बांटने के साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। नालंदा जिले में प्याज उत्पादक किसानों को उनके फसल के अनुरूप मेहनताना नहीं मिलने से काफी मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले तो बेमौसम बारिश से प्याज की फसल बर्बाद हो गई थी और अब जो भी प्याज की फसल खेत से निकाले गए हैं उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने कहा कि कोरोना बंदी के कारण प्याज को वो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। प्याज को बहुत क्षति हुआ है और हम लोग को प्याज खेत में उखड़ा हुआ है, लेकिन व्यापारी औने पौने दामों पर खोज रहे हैं, लेकिन हम लोग प्याज कुछ खेते में पड़ा हुआ है, कुछ खलहान में ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ बोरा में है और कुछ ऐसे ही धरती पर रखा हुआ है। सरकार प्याज का गोदाम बनवाया है, लेकिन हम लोग को उसमें रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। आपके गाँव में बना है प्याज गोदाम? हमारे गांव में प्याज का गोदाम नहीं बना है, जबकि हम लोग के गांव में प्याज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अज्ञात अपराधियों ने घोड़ासहन थाना क्षेत्र के भिलवा बाजार स्थित सीएसपी केंद्र से चाकू और बंदूक की नोक पर 83,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए एक हवाई फायरिंग कर वहां से भाग निकले। वहीं पीड़ित सीएसपी संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि दो बाइक पर सवार चार अपराधी केंद्र के आगे रुके, जिसमें से दो अपराधी केंद्र में पहुंच चाकू दिखाकर 83,000 रुपए लूट लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, सीएसपी बगही भलवा। अच्छा, कैसे हुआ है घटना? कितने बजे काउंटर पर कैश का काम कर रहे थे, उसी अचानक उसी समय आया है और छुरा के दम पर गेट खुलवाकर, उसके बाद में पीछे वाला पास पिस्टल था, चार आदमी लोग था, एक गेट पर हो गया है तो वो अंदर हो गया है, एक वो मोटरसाइकिल के पास था और उसी समय में कैश लेकर चला गया। अच्छा, कुछ बोला भी है वो? नहीं, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ दिखाया है जाते वक्त, सिर्फ वो गाली दिया है। फायरिंग हो रहा है? फायरिंग हुआ है, जाते समय फायरिंग किया है। मतलब कितने बाइक से था उसमें? एक बाइक से देखे हैं, उसके बाद में दूसरा बाइक पहले से यहाँ था। अच्छा, कितने पैसे यहाँ से ले गए? 83,380। कैमरा वगैरह है यहाँ पे लगा? कैमरा है, खराब हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग था जब जिस समय? लगभग यहाँ पे लोग 100 था। अन्य प्रदेशों से मसौढ़ी के महिला छात्रावास में रहने वाले करीब 257 मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड कार्यक्रम पदाधिकारी ममता कुमारी के द्वारा वितरित किया गया। मौके पर मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार सहित पंचायत रोजगार सेवक भी मौजूद रहे। सेंटर में आप आई हुई हैं जी, तो इस जो यहां आने की खास वजह क्या है मैडम? यहां हम लोग को बुलाया गया है जॉब कार्ड बनाने के लिए। यहाँ हम लोग से लिस्ट मिलेगा तो हम लोग बना के यहाँ हम लोग मतलब ये कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किनको देंगे जॉब कार्ड? जो यहाँ पर आए लेबर मजदूर सब, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, बिहार करने वाले हैं जी, प्रवासी मजदूर, उनको दिया जाएगा? हाँ, उन्हीं को दिया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचे हैं, क्या कारण है सर? हम लोग जॉब कार्ड बनाने के लिए आए हुए हैं और जॉब कार्ड जल्द से बना के हम लोग निर्गत करेंगे। किनको निर्गत करेंगे सर? हम लोग यहाँ प्रवासी मजदूर जो आए उनको निर्गत करना है। फतुहा पुलिस अनुमंडल के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के जीवनचक गांव के दक्षिण महत्माइन नदी में बिजली प्रवाहित तार के चपेट में आने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते हुए महत्माइन नदी में चला गया, जिसमें वो बिजली प्रवाहित तार के चपेट में आ गया। इस घटना की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, SIR के दास घटना स्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया। नदी में पानी के करंट के तार था, और इसी घटना में तार के दरमियान में कटपिस है और उसे मर गया। तार ले जाने में नंगा तार है, ले जाने में मछली मार। नदी में तार कौन ले गया? मछली में तार ले गया है इनका स्वर्गीय रविंद्र महतो का बेटा मछू और एक लड़का उसमें और है, इसका नाम विकास कुमार है। मछली मारने से
मछली मारने के लिए तार ले गए? हाँ, मछली मारने के लिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मछली। लगने से कहाँ पर हुई है सर? ऐसा सूचना मिला कि जीवन चक गाँव का रहने वाला है बच्चा, ये राजेश कुमार है, उसका छोटा पुत्र शेफात साहब का रविंद्र कुमार, वो संभवतः जानवर चलाने के लिए गया था, तो महतवान नदी में शायद कुछ लोग मछली मार रहे थे, उसी में करंट प्रवाहित हो रहा था, ऐसे में लगता है उसके चपेट में आ जाने से इसकी तत्काल मृत्यु हो गई। कराय परसुराय प्रखंड के मकरौता पंचायत के इंटरमीडिएट कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर से अचानक 17 मजदूर भाग गए, जिसमें 5 मजदूर वापस भी आ गए। गौरतलब है कि इस क्वारंटीन सेंटर में कुल 76 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। मजदूरों के भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई। आनन फानन में हिलसा DSP कराय परसुराय थानाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। वहीं मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में मिलने वाली सारी सुविधाओं को सही बताते हुए किसी तरह की समस्या नहीं होने की बात कही है। वही बोला था कि खाना कुछ के दिक्कत कब्जे पिए दे नहीं मिलता होता हूँ। कुछ टाइम सुबह हुए थे। अच्छा, ज़्यादा जानकारी कहाँ में नहीं है। खाना कैसा मिल रहा? खाना अभी से तो ठीक मिल रहा। पहले एक तरह मिल गया था, बासी खाना। बासी खाना मिल गया था। तो मैंने आप लोग जब विरोध किया था, क्या मैंने कुछ बोला गया था क्या? तो मैं तो दूसरा इंचार्ज हो गया ना। समय पर खाना मिलता है कि नहीं? क्या अभी तो सही मिल रहा है। धमकी उमकी भी मिला है? बोल रहा है उस टाइम तो सोए हुए थे। क्या नाम है आपका? तो सबके प्रवासी के सहायता कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन तो पर भी हम लगे हुए हैं। यहाँ पर के किसी भी व्यक्ति खाना बांटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपना हाथ से जाके बांटते हैं। तो फिर मजदूर भागे क्यों? भागे कि जो प्रमुख के जो पति है ना, उप प्रमुख पति वो मने है जो उन्हीं को परिवार था, वो बहका चाह दिए हैं, वही भगाए हैं। अच्छा, वही भगाए? हाँ, वही भगाए, उप प्रमुख पति भगाए हैं। इसमें हम लोग किसी भी पदाधिकारी किसी प्रतिनिधि की कोई गलती नहीं है। कितना भागा है टोटल मजदूर? आया कितना मजदूर? 17 भागा था, उसने 5 वापस आया है, अभी तक की रिपोर्ट मेरे पास है। खाना पीना का भी? लेकिन हाँ, उसमें यहाँ जांच भी आया हुआ था, DC साहब आए थे, तो यहाँ खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के मनपौर गांव में मनरेगा योजना के तहत करीब 1900 फीट की दूरी में मिट्टीकरण सह सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए चेहरे पर मास्क लगा मजदूर मिट्टी काटने और भरने का काम कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उन्हें भोजन जुटाने की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मुखिया अमरेंद्र मिश्र सुगन ने कहा कि इस कार्य से एक ओर जहां लोगों को आने व जाने में सहूलियत होगी, वहीं सैकड़ों गरीब मजदूरों को अब भोजन जुटाने की परेशानी से भी निजात मिलेगा। जबकि मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में इन मजदूरों को दैनिक काम उपलब्ध कराया गया है। चल रहा है, कितने दूरी में बनेगा, किस योजना से और कितने लागत से? 3 पार्ट में है। और ये जो है सो मनरेगा के तहत है। कितने दूरी में है? 1900 फीट है, लेकिन इसको ये 3 पार्ट में बनेगा। बीच में कुछ कटिंग था, उसको जोड़ा जाएगा। इंडिया का भी इसमें निर्माण। अच्छा, कितना का लागत है? ये लागत पुलिया लेकर के, 2 पुलिया है और ये है, उसका अभी एस्टिमेट नहीं आया है। मोटा मोटी पुलिया तो 4x4 या 3x3 का जो आएगा, उसका जो कॉस्ट आएगा उस हिसाब से बने। और इधर सड़क का? सड़क का भी अभी नहीं आया है, मतलब लागत अभी आपको नहीं, फाइनल नहीं हुआ है। नहीं। और ये इन लोगों के पास जो ये मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं, उनको मास्क और सैनिटाइजर सब दिए हैं? नहीं, मास्क और साबुन दिया जाएगा। अच्छा, कल से काम शुरू हुआ है। अभी देख रहे हैं बहुत लोग पहने भी हुए हैं, तो वो आप ही ने दिया है? दिए हम, और जो रहा उनको देना है। एक बस पटना जिला के बाढ़ एवं उसके आसपास के कुछ श्रमिकों को लेकर स्टेशन से रवाना हुई, जिसमें सवा श्रमिकों ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बस में बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा गया और सीटों की संख्या से कहीं ज्यादा लोगों को बस में बैठाया गया। साथ ही उनके लिए सुबह से किसी भी प्रकार की भोजन की भी व्यवस्था नहीं की गई। वहीं इस प्रकरण पर बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री नमिता नीरज सिंह ने सरकार के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले तो राज्य सरकार इन श्रमिकों को वापस बुलाना नहीं चाहती थी, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर दबाव बनाया तो प्रवासी बिहारियों को बुलाने के लिए राज्य सरकार बमुश्किल सहमत हुई, और जब गरीब श्रमिक घर वापसी कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। लेकिन सुबह 10 बजे खुली है, लेकिन अभी तक
11:30 होने वाली है और ना ही तो यहाँ पे कोई वहाँ से गाड़ी खोलकर और यहाँ करीब आधा घंटा से पेट्रोल पंप पे लगाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि अभी तेल नहीं है, तेल लेंगे तब हम लोग जाएंगे। हम लोग अभी तक भूखे हैं, जैसे कि देख सकते हैं सब यहाँ पे मायूसी छाया हुआ है। भैया आप बोलिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भैया दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आपको सुविधा मिली है यहाँ डीएवी स्कूल में? तो देखिए भैया, हम ट्रेन से आए हैं तो ट्रेन की तो सुविधा मिली है ऑलरेडी। हम जब बिहार पहुँचे, बिहार से हमें सुविधा नहीं मिली है किसी चीज़ की। बिहार से नहीं मिली है? नहीं मिली। सोशल डिस्टेंस जो कहते हैं, ये क्या चीज होता है ये समझ में नहीं आता। ये बिहार में आने के बाद हमें दिल्ली में हुई थी सोशल डिस्टेंस। दिल्ली में मिली है। अच्छा, बिहार में नहीं मिली? नहीं, बिहार में नहीं मिली। अच्छा भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं? बिहार में आपको मिली है सुविधा? कोई सुविधा नहीं। सोशल डिस्टेंस का पालन कराया गया? आप चाचा आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे जो भी श्रमिक प्रवासी मजदूर भाई हैं, उनके लिए हमारे राज्य सरकार ने कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं कर रखी है। आज हमारे काफ़ी श्रमिक मजदूर भाई बाहर से पटना पहुंचे हैं, उन्हें अपने अपने जगहों पे जाना था। आज एक बस हमारे वार्ड विधानसभा के लिए भी खोली गई थी, जिसमें कि लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी नियम पालन नहीं किया गया। और उन्होंने मुझे फ़ोन कर बताया कि उन्हें सुबह से कुछ भी खाना पानी का कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया। राज्य सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप तो हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को बुलाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव के कारण, उनके जद्दोजहद के कारण आज हमारे प्रवासी मजदूर भाई बिहार वापस आ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों पे अपनी संवेदना रखें, उनसे अपनी प्यार बनाए रखें, उनको जो भी ज़रूरत हो उनको हर सामान की मुहैया कराए जाए, उन्हें सकुशल प्लीज़ उनके घर भेज दीजिए। जय हिंद। उधर पटना के उप विकास आयुक्त रिचि पांडे ने मसौढ़ी के महिला छात्रावास में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मसौढ़ी के तमाम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सही तरीके से देखभाल करें और समय से नाश्ता सहित भोजन भी दें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रवासी मजदूरों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण भी करें। कि महिला छात्रावास में जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है प्रवासी मजदूरों के लिए, आपके द्वारा आज निरीक्षण किया गया है, इस निरीक्षण के दरमियान में यहां जो मसौढ़ी के तमाम आला अधिकारी थे उनको क्या निर्देश दिया गया है? सभी को यही निर्देश दिया गया है कि कोई भी अगर यहां सेंटर में कोई भी शिकायत आती है, क्योंकि हम लोग निरंतर सभी जो यहां पर आवासित लोग हैं उनका हम लोग सेंट्रली उनका फीडबैक ले रहे हैं, और यदि कोई भी कमी परिलक्षित होती है तो हम इनको उसके बारे में सूचना अवगत करा देते हैं, और उसका ये लोग तत्काल ही उसका जो भी कमी रहती है उसका निष्पादन करते हैं। गया जिला के मोहनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत गोपाल केड़ा, ग्राम पंचायत एरकी और ग्राम पंचायत टेसबार ग्राम के लोगों ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा सही ढंग से अनाज का वितरण नहीं करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 किलो के हिसाब से कुछ पंचायत में अनाज दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। वही कई गाँव के लोगों का कहना है कि 2-3 महीने से राशन ही नहीं दिया गया है। क्या आदमी है आप लोग? 4 गो अथी 6 गो। आप पैसा कितना लिया ला? पैसा 100 रुपया। 100 रुपया। हाँ, साफ सुंदर डीलर है, वो पहले पैसा के लिए दे रहे थे 14 परिवारिक में 2-1 ग्राम 15 किलो चावल और 15 किलो गेहूँ दे रहे थे। 14 परिवार में 15 किलो मिलता है? हाँ, 15 किलो देते थे। कितना पैसा लेते थे वो? पैसा लेते थे 120 रुपया लेते थे। 130 रुपया ले रहे थे, तो बाकी प्लस है कि हमने परिवार 14 गो हमने उतना ही देते थे, 15 किलो चावल 15 किलो गेहूँ उतने परिवार में से भी देने के लिए अनुसार से डांट के देते थे। मेरा हाल नहीं दे रहा, 1 महीना का गैप कर देता है तब दूसरा महीना के दे रहे थे। ठीक है, हमें मंजूर कर दे रहे। 14-75-70 किलो होता है? 8 आदमी पर दिया। ऐसे परिवार आप थोड़ा सा कहीं कम आने चल गया परिवार, इसीलिए नहीं है। बाकी बात कर रहे थे या कि हम वीडियो साहब से कन्फर्म करेंगे, महीना क्यों नहीं मिला हमको, तो हम उनसे बात करके हम कन्फर्म करेंगे। जब अगला महीना हमको ये विवाद नहीं दे रहे हैं तो हम वहाँ से कन्फर्म लेंगे वीडियो साहब से। बाकी वीडियो साहब से क्या, तो लॉकडाउन नाम हुआ आपका? नाम
नाम तो मेरा सुरेश मांझी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।